आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो एवरीवन, आज का हमारा क्वेश्चन है रिस्ट्रिक्शन एंड न्यूक्लियर होते हैं हमारे पास चार ऑप्शन। सबसे पहला है जीवाणु द्वारा अपनी रक्षा प्रक्रिया के एक भाग के रूप में संश्लेषित किए जाते हैं। दूसरा है इन विट्रो डीएनए संश्लेषण में प्रयोग किए जाते हैं। तीसरा जीन अभियांत्रिकी में डीएनए अणुओं को काटने में प्रयोग किए जाते हैं। और चौथा है ठीक है अस्तनी कोशिकाओं में डीएनए के अपघटन के लिए उपस्थित होते हैं जबकि कोशिका की मृत्यु ठीक है जबकि कोशिका की मृत्यु हो जाए ठीक है। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो रिस्ट्रिक्शन एंड न्यूक्लियस जो होता है ये जैसे कि ई कोलाई जीवाणु होते हैं मतलब जीवाणु से कृत्रिम विधि से निकाला जाने वाला क्या है एंजाइम होता है यानी बिकर होता है जिसे हम क्या कहते हैं प्रतिबंधन ठीक है प्रतिबंधन ठीक है प्रतिबंधन एंजाइम जो कि एक्सो प्रकार का होता है मतलब दो प्रकार का होता है डीएनए को बाहर से काटेगा और एंडो होता है डीएनए को बीच से काटेगा और विशिष्ट स्थान पर से काटेगा। डीएनए है तो उसमें नाइट्रोजन क्षार होते हैं तो उन्हीं नाइट्रोजन क्षार को विशिष्ट स्थान पर से काटता है ठीक है। उदाहरण के लिए जैसे कि कोई भी सा भी लग सकती है जैसे इको आर वन ठीक है इको आर वन तो ये भी एक कह सकते हो प्रतिबंधन एंजाइम का उदाहरण है। तो क्या करते हैं ये डीएनए को काटते हैं ठीक है डीएनए को डीएनए रज्जु को काटते हैं ठीक है और किसमें उपयोग करते हैं इसे ठीक है अनुवांशिक अभियांत्रिकी में। देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। सबसे पहले करें जीवाणु द्वारा अपनी रक्षा या रक्षा प्रक्रिया के एक भाग के रूप में संश्लेषित किए जाते हैं ठीक है। तो इनमें कह सकते हो ऑलरेडी ये पाए जाते हैं संश्लेषित नहीं किए जाते और ये अपने रक्षा के लिए उपयोग किए जाते हैं लेकिन यहाँ पे एक भाग में संश्लेषित नहीं होते तो ये गलत हो जाएंगे ठीक है। दूसरा है इन विट्रो डीएनए संश्लेषण में प्रयोग किए जाते हैं ठीक है। तो इन विट्रो संश्लेषण के नहीं किए जाते हैं ये कह सकते हो तोड़ने डीएनए को तोड़ने के लिए किए जाते हैं तो ये गलत हो जाएगा। इन विट्रो का मतलब कृत्रिम विधि से ठीक है प्रयोगशाला विधि से। जीन अभियांत्रिकी में मतलब ऐसा तकनीक जो कि डीएनए में परिवर्तन कर सकता है उसे जीनी अभियांत्रिकी बोलते हैं। तो जीनीय अभियांत्रिकी में डीएनए अणुओं को काटने के लिए प्रयोग किए जाते हैं तो ये राइट हो जाएगा। लास्ट में अस्तनी कोशिकाओं में डीएनए के अपघटन के लिए उपस्थित होते हैं तो डीएनए के अपघटन के लिए नहीं होते हैं ये डीएनए को काटने के लिए होते हैं तो ये भी गलत हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन थर्ड होगा फर्स्ट सेकंड फोर गलत हो जाएगा। और अगर बात करें पहला क्यों गलत है तो पहला इसीलिए गलत है क्योंकि अपने रक्षा के लिए इसका उपयोग करते हैं। किससे रक्षा के लिए विषाणुओं से लेकिन ये रक्षा यहाँ बोला रक्षा प्रक्रिया के एक भाग के दौरान मतलब एक भाग के रूप में संश्लेषित करते हैं लेकिन ऐसा नहीं है इनमें पहले से संश्लेषित होते हैं और वो उसे रक्षा करते हैं इसलिए पहला गलत है। कक्षा 6 से 12 से लेकर नीट IIT JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।